नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, और चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम लेकर अपना आज का ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर। मैथमेटिक्स का है ये हमारा सेशन और इसमें हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम्स की। इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज उसका ये पार्ट 3 है। आई वुड लाइक टू बिगिन दिस सेशन विद द मैसेज ऑफ G20। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. So with this positive note, would like to begin this session. आप चाहें तो इस live interactive session का हिस्सा बन सकते हैं, और उसके लिए आपको एक phone number dial करना होगा जो है 8800440559, और क्लास 9th के ईमेल आईडी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप हमारे साथ सीधे जुड़ें। हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराता हूँ। वुड लाइक टू इनवाइट एंड इंट्रोड्यूस मिसेस बीना प्रकाश जी। बीना जी नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम इन द सेशन। आप सीनियर गुड आफ्टरनून। आप सीनियर PGT हैं मैथमेटिक्स इन कैंपियन स्कूल भोपाल। काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़ी हैं और बच्चों को रेगुलरली मैथमेटिक्स पढ़ाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक भी है और वही इनकी शायद हॉबी भी। तो आज किस तरीके से आप पढ़ाने वाली हैं अपनी क्लास में? एक्चुअली आज मैं कंटिन्यू करूंगी जो लास्ट टू क्लासेस में किया। बिफोर आई कंटिन्यू स्टार्ट माय लिस्ट, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। यस, निकला है राइट। ऑल स्कूल्स हैव डिक्लेयर्ड गुड रिजल्ट, राइट। सो इट्स हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स दैट रियली हैव पेड, राइट राइट। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्कूल लीडर्स एंड द स्टूडेंट्स। अग्री। नाउ आई कंटिन्यू। ओके प्लीज। करेंगे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में, उसके आगे और क्या-क्या चीज है। दैट इज identification of some number, that is a rational number ya fir irrational number between given two numbers. ab wo numbers ya to rational number ho sakte hain wo ya to irrational number. to ye jo method hai humne last class mein discuss kiya tha, like first question jo hai find two rational numbers between 2 and 4. koi bhi two numbers hai uske beech mein hame ek rational number nikalna hai. okay, wo kaise nikalte hain? first method jo diya hai wo aisa hai ki aap dono numbers ko add kariye, can see the kar se 2 plus 4 and you divide it by 2. That is us number ka mean le liye, divided by 2. So okay. 2 and 4 together gives us 6, divided by 2 gives us 3. So 3 is a number which is between 2 and 4. Fine? Ab question tha 2 rational number, that is ek aur rational number chahiye apne ko. So ab ye same method use karenge but numbers will be between 2 and 3 now instead of 2 and 4. अब 2 एंड 3 के बीच का जो नंबर रहेगा वो भी 2 एंड 4 के बीच में रहेगा। सो व्हाट विल इट बी? 2 + 3 / 2 दैट इज 5 / 2 दैट इज 2.5। और मान लो और भी आपको नंबर्स पूछ रहे हैं तो आप इसको 3 एंड 5 4 के बीच में ले सकते हैं। ओके, आप 2 एंड 3 वी कैन गो इन फॉर 2 3 एंड 4 आल्सो। अगर थर्ड नंबर पूछ रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर चाहिए आपको, सो दैट इज नथिंग बट कैसे निकालेंगे 2.5 और 4 के बीच में, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, दैट इज 6.5 ऑन 2 दैट इज 3.25। ठीक है, सो दैट इज वन मेथड वी हैव डिस्कस्ड। तो इस तरह से आप दो दो नंबर्स देखते जाइए, जो जो मिल रहा है उसको और उसके प्रीवियस नंबर, इट कैन बी बिटवीन 2.5 एंड 3 आल्सो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमें इन नंबर्स को यूज करें, जो नंबर हमने दो निकाले हैं 3 और 2.5 के बीच में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू आवर चॉइस। बट हमें इस मेथड में क्या दिखाया, देयर इज सम कैलकुलेशन, व्हाट इज इट, आपको ऐड करना पड़ेगा फिर डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये चीज हम हमेशा, ये बच्चों ये याद रखना कि आप कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन है आप वो वाला मेथड यूज करें व्हिच विल मेक यू गिव यू द सॉल्यूशन करेक्टली, वेयर यू आर श्योर दैट यू गेट ऑलवेज द सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशंस। तो वो मेथड ये है इसमें कि इफ सपोज यू हैव नंबर्स 2 एंड 4 तो आप इसको एक डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करें। 2 इज रिप्रेजेंटेड एज 2.0, 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 4.0। अब इन दोनों के बीच का कोई भी आप नंबर लिख लीजिए विद बाय चेंजिंग द डेसिमल नंबर, लाइक 2.0 है तो यू कैन हैव इट एज 2.1,
You can have it as 2.35. You can have it as 2.78. You can have it as 2.89. जो आप मर्जी, जो मर्जी आप चाहिए लिख सकते हैं. आपकी जो मर्जी है. आप 2 से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं. 3 भी एक होल नंबर है बिटवीन 2 एंड 4. तो 3 से लिख सकते हैं. 3.3333 कंटिन्यूएशन में डेसिमल. 3.95. एनी नंबर आप इमीडिएटली बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. तो इफ यू अवॉइड दिस मेथड and instead you take a decimal representation, you will always find that there are many numbers that lies and it will be easier for us to find also. ठीक है? So वो ही चीज मैंने second वाले इसमें भी किया. 2.3 and 2.5. 2.3, 2.5 they are very closer numbers. तो आप first method में देखिए decimal, decimal से calculations हो रहा है सारे. तो decimals को as far as possible बच्चों avoid किया करो. तो वो चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस यूज करेंगे ना डेसिमल नंबर तो उसको अवॉइड कैसे करते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू फ्रैक्शंस. तो ये जो चीज है एडिशन ऐड करके देन डिवाइड करके टू तो थोड़ा सा चांसेस है. आई एम नॉट सेइंग कि होता नहीं, चांसेस आर देयर कि ये गलत हो जाए. तो इसलिए सेकंड मेथड जो मैंने कहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसको यूज किया. दैट इज 2.3 है एक नंबर एंड 2.5 है. So, ये 3.3 and we find that the whole part, that is integer part जो है, 2, 2 दोनों same है. Both have same numbers, that is in 2. अब ये 3.3 and 0.5 के बीच में आप कितने numbers लिख सकते हैं? There are infinite numbers. बोलते जाइए, आपको जो मर्जी बोल दीजिए. 2.31. बोल दीजिए. The 3 has the 10th okay. place, that is 10, 1 10th place. 2.40. 40, definitely 2.40. आप बोलिए, आप जो बोर्ड मर्जी बोलते हैं. 2.41111111 irrational number हो जाएगा. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? 2.49994949 ऐसे करके आप बना सकते हैं. Right. So all these numbers you can immediately work out right between the two rational numbers if you have it as a representation in the decimal form. Fine. कोई भी नंबर आपके पास है तो आप उसको तुरंत उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लेकर आ जाइए और उसके बीच के नंबर्स ढूंढिए. अब 1/2 एंड 1/3. अब 1/2 क्या होता है? 1/2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? 1/2 इज 5 एंड 1/3 क्या होता है? 0.3333. ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से ये तो जाते जाएगा आपका. तो आपको किसके बीच में निकालना है? It is between 0.3 and 0.5. देखिए कितनी इजीली आप निकाल सकते हैं. क्या है नंबर्स? What are the numbers? 0.3 का एक्सटेंड कर दीजिए 0.5 है एग्जैक्टली. बोलते जाइए 0.38. आपको जितनी मर्जी चाहिए नंबर्स लिख सकते हैं ना, है ना? सॉरी 0.38 नॉट 33.8. इट इज 0.38. जितनी मर्जी चाहिए नंबर्स लिख लीजिए आप 0.38. ऐसे आप 0.4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 0.4 एक नंबर हो जाएगा, 0.42 हो सकता है. एंड इसको आप डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाइए या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाइए, आप जो चाहिए जिस तरह के भी नंबर्स चाहिए लिख सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, है ना? दैट इज इजी नो. अब क्वेश्चन आता है 5 इरैशनल नंबर्स का. रैशनल नंबर्स जैसे हमने लिखे वैसे ही इरेशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर्स के क्या है डिफरेंस बेटा? बच्चों याद है क्या रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस? रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. दैट इज एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. फाइन. या तो हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो डेसिमल्स कैसे होते हैं? दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग. इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता है बट रिकरिंग डेसिमल होता है. फाइन. ये है रैशनल नंबर का डिफरेंस. इसलिए हमने इन सारे नंबर्स को हमने डेसिमल्स में लेकर आके उसके बीच के नंबर निकाल दिए. बट इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू नॉट वी हैव डेसिमल. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग ना रिपीट होता है ना टर्मिनेट होता है. तो अब इस हिसाब से कैसे लिखेंगे, विच मेथड विल बी इजियर फॉर अस. अब ये जो फ्रैक्शन मेथड में जो ऐड करके डिवाइड कर वाला मेथड है, देखिए ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा क्योंकि वो तो एक नंबर देंगे अपने को 1.5 एंड 3/5, एज यू नो हमें एक नंबर मिलेगा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग, उसके बीच में हमें नॉन टर्म इरेशनल नंबर बनाना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो एडिशन वाले मेथड को इसलिए बोलते हैं अवॉइड करने के लिए. इसमें ये सेकेंड मेथड जो निकाला था वो इजिली हम निकाल सकते हैं. क्या करें इसको, अगेन 1/2 ये क्या होता है, इट इज 0.5 एंड 0.5 इट इज 0.6. 0.5 और 0.6 के बीच में आपसे कहा गया है इरेशनल नंबर लिखिए. तो इरेशनल नंबर क्या होगा, आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखिए. टू स्टार्ट विथ मैं पहला नंबर लिख रही हूँ, देखिए सेकेंड पोजिशन डेसिमल का 100th place दैट इज 0.51. अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए फॉर मेकिंग इट अ इरेशनल नंबर. कैसे एक्सपेंशन, बच्चों लास्ट क्लास में बताया था हमने कैसे एक्सपैंड करते हैं, रैंडमली और एक पैटर्न से आप डिस्कस करिए ताकि दैट पैटर्न सेज दैट दिस पैटर्न विल कंटिन्यू, इट कंटिन्यूज इट डजंट स्टॉप. देखिए पहले हमने 1-2 लिखा, नेक्स्ट 1-1-2 लिखा, दिस 1-1-2 लिखा, तो दैट मीन्स इट विल गो ऑन एंड इसमें डेसिमल रिपीट भी नहीं हो रहा है. देखिए सो देयरफॉर दिस इज एन इरेशनल नंबर. अब नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, ऐसे ही 0.5 से स्टार्ट कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर आप 2 से स्टार्ट करो, 2-3-0, 2-3-3-0, 2-3-3-0, एक पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ताकि विच इज सेइंग कि ये नंबर्स कभी रुकेगा नहीं, ये इस पैटर्न में कंटिन्यू होगा. तो दैट वे वी आर एबल टू राइट मेनी मोर इरेशनल नंबर्स. नो आप जितनी मर्जी चाहिए लिखते जाइए, आप लिखते जाइए 0.5 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0. अब देखिए मैंने जीरो भी चेंज कर दिया. इस तरह की आप जितनी मर्जी चाहिए नंबर्स लिखते जाइए, आपके सारे नंबर्स जो रहेंगे इरेशनल नंबर्स. तो आप 5 लिखना चाह रहे हैं, 10 लिखना चाह रहे हैं, इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि आप एनी नंबर ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं. 0.5 7 2 3 7 7 2 3 3 7 7 7 3 2 3 3 3 ऐसे आप जितते जाइए. तो मैंने यहाँ 4 लिखे, आप 5 लिखिए, 10 लिखिए, ऑल नंबर्स इज पॉसिबल. इजंट इट इजी वे टू राइट द गेट द आंसर्स, है ना, यही हमें बोल रहे बच्चों. आप लोग ये चीज को अगर थोड़ा सा देखेंगे ना, द इजियर वे हमेशा हमें एक इजियर वे मिलेगा. एक 4/3 व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म इट इज 1.3333. इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर बिकॉज ये रैशनल नंबर है. वैसे 15/7 इट्स 2.14429. अब अपनी मर्जी लिखते जाइए. 1.3808800008 0 0 0. आप बोलते जाइए, जो बोलते जाएंगे आपके मन में जो आ रहा है, बट ये है कि 10th पोजीशन जो है वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए. इसके आगे आपको नंबर लिखते जाइए. ये 3 है तो नेक्स्ट प्लेस यू कैन हैव 1 5 1 3 5 5 2 3 5 5 5 3 3. ये भी पैटर्न दिख रहा है. 1.4 7 3 7 3 2 7 3 5 1.9 8 1 2 8 1 3 8 1 4. तो आप कितनी मर्जी चाहिए लिखते जाइए. सो दैट इज हाउ वी गेट रैशनल इरेशनल नंबर्स बिटवीन Any two numbers means हमने जो डिस्कस किया वो irrational numbers थे, rational numbers थे, 4/3 50. ठीक है, now we move on to the next aspect. इसका दूसरा aspect क्या है, locating rational numbers on a number line. ये भी एक चीज हमें आना चाहिए. Now locating rational numbers on a number line, देखिए मैंने कुछ number lines बना कर रखी है.
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर्स लिखे हुए हैं, वो 1 2 दिस इज अ नंबर लाइन, फाइन। अब आप कोई नंबर बताइए उसको कैसे बिटवीन -8 और 16 के बीच में, आप बताइए कोई भी नंबर कैसे लोकेट करेंगे, आपको कोई जो मर्जी नंबर बता दीजिए। तो आप बताइए कौन सा नंबर मैं मार्क करूं, बताइए पहले आप इंटीजर्स में बता दीजिए। 4 4 5 4 इज हियर, फाइन। ये मैंने -3 डाला है, तो दिस इज -3 एंड दैट इज दिस इज 4, फाइन। हमने इंटीजर्स मार्क किया। नाउ कम टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मींस वी हैव इट इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, दैट इज यू हैव टू डिवाइड इट। नाउ लेट मी टेक अप अ नंबर 4.2। अब 4.2 कहाँ होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। यस, तो 4 और 5 के बीच का नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ऑन दिस 9 व्हाट डू आई डू इज आई डिवाइड दिस होल 9 सेगमेंट, ये एक बार और ईच डिवीजन को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगी, राइट। तो आपके पास स्केल रहेगा, यस, यू कैन इजीली गेट इट। आप देखिए ये जैसे स्केल है, इसमें आप देखिए ये जो स्केल है इसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप यू कैन फर्दर डिवाइड, आप इस लेंथ जो लेंथ यूज किया है इसको हम आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं छोटे 10 पार्ट्स पे। सो हियर आल्सो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन डिवाइड एंड दैट गिव्स अस, इफ 4 टू 5 दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दैट विल गिव अस इन मिलीमीटर्स, वी हैव डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। तो मैंने जैसे कहा 4.2 मार्क करना, तो वेरी इजीली यू कैन मार्क अ सेकंड डिवीजन फ्रॉम हियर एंड यू गेट इट एज 4.2, फाइन। अगर मुझे और थोड़ा सा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है, so what do I do? I'll try to take up this as a magnification form. That is, again, मैं एक नंबर मार्क करूंगी इधर, I'll mark this as 4, and then what happened? कि हम मैंने डिवाइड किया 4 और 5 को 10 पार्ट्स में, so I'm dividing it 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is the 10th part. So this part is now 5. So मैंने क्या किया actually? I have enlarged. This is my 4 and this is my 5. मैंने इस length, that is इस part को मैंने enlarge कर दिया, and then enlarge करके मैंने उसको further divide किया। Okay. इससे क्या होगा? मुझे clarity होगा points, जो मैं mark करूँगी उस points का clarity होगा। जैसे आपने बोला 4.2, तो मुझे 4.2 mark करने में easy हो गया, so this is 4.2. Okay. आपने नंबर 4.2 मार्क किया है, आप इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फर्दर कर सकते हैं। अगर मुझे 4.24 करना है, 4.24 मार्क करना है, तो देखिए आप 4 और 5 ओरिजिनल नंबर लाइन के लिए है, नंबर लाइन को आप 4 और 5 के बीच में हमने पहले 10 डिवीजन डाल दिया, तो आपको दिख रहा है कितना माइन्यूट रहेगा वो डिवीजन, राइट। एंड देन 4.24 इज लाइन बिटवीन 4.2 एंड 4.3, दैट इज 0.3 एंड 0.4 को फिर आप इनलार्ज, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे, राइट। इतना अब ये तो हो ही नहीं सकता मैन्युअली, हम कर नहीं पाएंगे, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। Okay. So, exactly what I did here, I'll do the same thing. But अच्छे समझ में आया आपको? Yes, yes, agreed. Four or five को enlarge किया, वही चीज मैं अब यहाँ पे करूँगी. So I'll take this as, like this as 4.24 निकाला, तो it lies between 4.2. तो ये मेरा point 4.2 है. And the next division that you have is after 10 part, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10th, ye point, ye point kya hoga? 4.3, that will be 4.3. so what have we expanded? We have expanded this 4.2 ko maine yahan kar diya, and ye 4.3, ye jo 4.3 hai usko yahan expand, right. So this is our 4.3, ये 4.3 है, okay. तो हमने फिर से इसको डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में, तो व्हाट ईच
पार्ट में 4.21, 4.22, सो 4.24 कहाँ मिलेगा आपको? ये हमारा 4.24. यस. तो सी हाउ इजीली वी कैन रिप्रेजेंट दैट. अब थर्ड डेसिमल प्लेस को भी लेकर आना है तो विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. आपको वही करना है, इसको हम 4.2 ले लेंगे, 4.24 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये हो जाएगा 4.325 या 2.4 and 2.5 हो जाएगा ये, क्योंकि 4, 6 जो है उसके नाउ ईस्ट डिवीजन से सिक्स डिवीजन कहाँ होगा देख लीजिए, 4.246 हो गया. That's it. So how easily and conveniently we could manage. Right. ये वर्ड आपको एक और एग्जांपल दिखा दूँ मैं. आप बताइए कौन सा नंबर चाहिए आपको? आपको कौन सा नंबर चाहिए बताइए? Okay, on the same number line? नहीं, मैंने अलग नंबर लाइन बनानी है ना, सेम. बताइए नंबर, बताइए कौन सा नंबर आपको मार्क करना चाहते हैं? चलिए -6. -6. Yes. -6. Okay, fine. So -6 कहाँ होगा बताइए? Six places from yes, for six places on the left from six. That's -6. Yes. Fine. Up after next number minus, that is -6. अब आप actually mark next बताइए, इसको decimal representation में बताइए कौन सा number mark करना चाह रहे हो? Minus we can yes we can yes. तो 6 पॉइंट क्या लेना चाह रहे हैं आप? 6.3 चलिए 2 ले लेते हैं. तो नाउ दैट मींस अब ये हमें ये पता लगाना है कि 6. -6.2 किसके बीच में लाई करता है? किसके बीच में लाई करेगा? -7 एंड -6. यस. तो हमें -7 और -6 को हमें मैग्नीफाई करना होगा. यस. ठीक है, तो अगर हमने मान लो ये -7 है, तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. व्हाट विल दिस बी? -6. तो अब व्हिच पॉइंट विल बी -6.2 बताइए? सेकंड पॉइंट फ्रॉम 6 -6. यस. दैट्स इट. इट्स वर्स -6. बिकॉज़ फर्स्ट वन इज 6.1 एंड नेक्स्ट वन इज 6.2. दिस इज6.2. अच्छा अच्छा, अब उसका फर्दर हमें एक्सपेंशन चाहिए तो 6.25 ले लेते हैं. 6.25. तो हम क्या मार्क करेंगे ये नंबर 6.25 किसके बीच में लाई करेगा? सबसे पहले 6.2 एंड 6.3 एंड -6.2. तो अगर मैंने यहाँ पे -6.3 लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 -6.2 हो गया. यस. तो आगे आपका पॉइंट कहाँ मार्क करना आपको दिख जाएगा ना? यस, मिड पॉइंट. 5, 5th पॉइंट ये हो गया ना -6.25. यस, अग्रीड अंडरस्टूड. आप एक्सपेंड करते जाइए. यस, इट विल ऑलवेज बी वेरी इजी फॉर अस टू मार्क. यस, आई थिंक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, और बच्चों को वो समझ में आया भी होगा, मुझे आया है, एंड आई एम श्योर हमें भी इसका फीडबैक ज़रूर मिलेगा. आप बच्चों ज़रूर इसको एक्सरसाइज को कीजिएगा, और हमारी जो क्लास 9th का ईमेल आईडी है उस पर ज़रूर भेजिएगा. बीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने आज मैथमेटिक्स की ये क्लास ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच. हमारा ये जो मैथमेटिक्स का सेशन है इसको हम यहीं समाप्त करेंगे, और अभी अब जैसे आपको पता ही लगा है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बच्चे पास हुए हैं उन्हें उन्होंने शुभकामनाएं भी दी, हमारी ओर से भी जो पास हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और नया सेशन शुरू हुआ है तो जो बुक्स हैं उनकी भी हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है. तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पूरे कंट्री में अवेलेबल हैं, NCERT की उपलब्ध हैं आसानी से. ये सभी जो है आप NCERT का जो सेल्स काउंटर है जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं. ये जो सेल्स काउंटर्स हैं सभी वीकडेज़ में खुले हुए हैं,
चाहे वो गजेटेड हॉलीडेज़ हों, सैटरडेज़ हों, संडेज़ हों, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये खुले रहते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स को, उसके लिए आप ncertbooks.ncert.gov.in पर जाएं और अपनी जो बुक्स हैं जो आपको चाहिए उन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और ये आपके घर पर डिलीवर होंगी, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। इसके साथ साथ आप यदि PDF वर्जन में सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए आप NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं, वहाँ इजीली ये सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप हमारे जो ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं उनके लिए भी आप हमारी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं NCERT.NIC.IN वेबसाइट पर। इसी सूचना के साथ मैं अपना ये सत्र यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली कक्षा जो है सोशल साइंस की है, जिसमें आप फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे अगला सेशन लेकर। नमस्कार।